बागात के शहर ने सुरमई बादलों की चादर तान ली। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, जल थल एक हो गया। शहर की अहम सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील। राहगीरों को मुश्किलात का सामना, गर्मी का जोर टूट गया। दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर में वक्फे वक्फे से बारिश। वज़ीर-ए-आला का अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म। मरियम नवाज की बारिश के पानी की जल्द अज जल्द निकासी यकीनी बनाने की भी हिदायत। कहती हैं ज़िला इंतजामिया समेत तमाम इदारे हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहें। शहर में वक्फे वक्फे से बारिश। वज़ीर-ए-आला का अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म। मरियम नवाज की बारिश के पानी को जल्द अज जल्द निकासी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहती हैं ज़िला इंतजामिया समेत तमाम इदारे हंगामे सूरत हाल के लिए तैयार रहें। शहर में बरवक्त निकासी याद के लिए कमिश्नर लाहौर इन एक्शन जैद बिन मकसूद का कहना है तमाम सुरंग मकामात पर एमरजेंसी कैंप्स फॉल किए हैं। अंडर पासिस में निकासी याद के लिए भी मशीनरी फॉल रखी जाएगी। तमाम डिस्पोजल स्टेशन को पूरी गुंजाइश से फॉल रखने की हिदायत। भेकेवाल वाहदत रोड में मसाइल के अनबार। जगह जगह गंदगी के ढेर, मकीनों के लिए वबाले जान बन गए। सीवरेज का निजाम दरहम बरहम, गलियां भी टूट फूट का शिकार। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल के हल का मुतालिबा। ना कोई आदमी वर्कर इधर काम करने के लिए आता है और ना ही कोई कुछ और हो रहा है। तो ये हमारे जो डेंकी है वो भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इधर फैला। ये देखो पानी जिसकी कोई निकासी नहीं है और हम बार बार ये दरोगे को कहते हैं, कोई दरोगा हमारी बात को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अमर उसका नाम है और ये दे आप ये खुद ही देख सकते हैं कि हमारा क्यों मसला बना हो। बहुत तंग है इधर से, हमारा गुजरना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे बच्चों को डेंगी वगैरह भी हो गया और उन लोगों को तो बच्चों को तो हम बाहर ही निकलने देते, तो हम बहुत परेशान हैं, बहुत तंग हैं। इसलिए हमारा ये सरकारी मुलाजमीन की जानिब से बग़ैर इजाज़त सोशल मीडिया का इस्तेमाल। विफाक ने सरकारी मुलाजमीन की बग़ैर इजाज़त सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी, कहा खिलाफ वर्जी पर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सब्जी मंडी में महंगाई की लहर बरकरार। सब्जी और फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। मटर 340, मेथी 300 और फलियां 240 रुपए किलो। सेब 420, आम चौंसा 300, अनार 250 और पपीता 190 रुपए किलो तक फरोख्त मिलने लगा। कलर गोश्त सस्ता होकर भी गरीब की पहुंच में ना सका। मुर्गी का गोश्त 12 रुपए सस्ता 562 रुपए किलो हो गया। अंडों की फी दर्जन कीमत भी 301 रुपए पर बरकरार। मार्केट में फार्मी अंडों की पेटी 8,910 रुपए में फरोख्त होने लगी। आवाम तक सस्ते दामों आटे की फराहमी कमीशन। शहर में आटा थैलों के निरखों की कड़ी निगरानी जारी। लाहौर डिवीजन में 118 पॉइंट्स की चेकिंग की गई। वज़ीरे खुराक बिलाल यासिन कहते हैं कि कीमतों की मौसर निगरानी के लिए मजीद इकदामात किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और खुराक एहसान भुट्टा का फूड अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। डीजे आसिम जावेद ने तमाम विंग्स की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। एहसान भुट्टा ने कहा कि पंजाब फूड अथॉरिटी अवाम की सेहत का मुहाफिज इदारा है, मिलावट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पाकिस्तान के अंदर आप समझते हैं कि हर तरफ अफेक्ट हुआ बिजनेस का, इसी तरीके से सिगरेट इंडस्ट्री को भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जब गवर्नमेंट रेट बढ़ाने की बात कर रही थी या एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स बढ़ा रही थी, तो हमने ये अवेयरनेस उनको दी थी कि जब आप या तो ऐसा हो कि आप पाकिस्तान में स्मगलिंग ना आए। हमने ये मारूसी सियासत के अगेंस्ट और ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के अगेंस्ट ग्रुप बनाया। हमारे नज़रिए पे सारे मेरे दोस्त खड़े हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई नज़रियाती दोस्त हमारा एक भी छोड़ के नहीं गया। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही इस वक्त एम है कि हम मुखालिफ ग्रुप के बंदे तोड़ें या मुखालिफ ग्रुप के बंदों के पास जाके उनका जहन ख़राब करें। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात के लिए सरगर्मियां अरूज पर। पीपीजी के चेयरमैन अली हसाम असकर कहते हैं ड्राइंग रूम और मौरूसी सियासत करने वालों को शिकस्त देंगे। इलेक्शन में हमारे इतिहाद में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं।
9 मई के बाद से जुल्म का बाजार गरम, मुल्क में जंगल का कानून है, मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं। लाहौर में बदमाशी की तारीख कितनी पुरानी, नादिर और दाऊद कौन थे, शाहिया कैसे बदमाश बना, MSF ने शहर काम किस तरह तबाह किया, लाहौर रंग उठा रहा है, माजी के चंद हकायक से पर्दा, बदमाशों की कहानी पर खसूसी रिपोर्ट इस बुलेटिन का हिस्सा। मुजाहिद स्क्वाड की माह अगस्त की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। तर्जुमान के मुताबिक ई पुलिस ऐप की मदद से 1,89,070 अफराद का रिकॉर्ड चेक किया गया। मुजाहिद स्क्वाड ने 90 इश्तिहारी, 58 अदालती मफरूर गिरफ्तार किए। मुलजिमान से असलहा और मनशियात बरामद की गई। डॉल्फिन स्क्वाड पतंगबाजी के खिलाफ फ्रंटलाइन पर, शहर भर में पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन, इचरा से पतंग फरोश कैसर गिरफ्तार, दर्जनों पतंगे बरामद, मुकदमा भी दर्ज। तर्जुमान डॉल्फिन के मुताबिक मुलजिम शहर में ऑनलाइन पतंगे फरोख्त करता था। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जरे सदारत अहम इजलास हुआ। जरे इल्तवा रोड्स सर्टिफिकेट्स और चलानों को जल्द खत्म करने की हिदायत कर दी। कहा तफ्तीश की मिसलें मुकर्रा मुद्दत में मुकम्मल की जाएं। एडिशनल IG साउथ तमाम RPOs और CPOs की वीडियो लिंक शिरकत। पुलिस मुलाजमीन की बेहतरीन हेल्थ वेलफेयर का आजम, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कंपनसेशन अवार्ड कंपनी का इजलास। पुलिस मुलाजमीन के इलाज मुआलजे के लिए 20 लाख रुपए से ज्यादा के फंड जारी। IG का मुलाजमीन की बेहतरीन हेल्थ वेलफेयर के लिए इकदाम जारी। अस्पतालों में पुलिस खदमत काउंटर्स अवामी खदमत में पेश, रवा साल मजमू तौर पर 14,622 मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जारी किए गए। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा कि खदमत काउंटर्स पर 24 घंटे खदमात फराहम की जा रही हैं। DIG ऑपरेशंस ऑफिस में तकरीबे तकसीम इनामात का इनेकाद। DIG मोहम्मद फैसल कामरान ने अहलकारों को तारीफी असनाद से नवाजा। मोहम्मद फैसल कामरान का कहना है कि कमसन बच्चों के अगवा के वाकयात नाकाबले कबूल हैं। पुलिस अफसरान शहरियों का तहफ्फुज यकीनी बनाए। महकमा ट्रांसपोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन, तर्जुमान के मुताबिक माह अगस्त में 78,000 गाड़ियों का मुआयना किया गया। 4,205 धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान किए गए हैं। 1,260 गाड़ियाँ जब्त की गई। और लबों पर मुस्कराहट, धीमी गुफ्तार, दिल याद खुदा में डूबा हुआ। मारूफ गुलकार और नातिया कलाम पेश करने वाले जुनेद जमशेद का 60वां यौम पैदाइश। दिल दिल पाकिस्तान से लेकर मेरा दिल बदल दे तक जो गाया सुनने वालों के दिल में उतर आया। जुनेद जमशेद को 2018 में सितारा इम्तियाज़।